अभी मैं एक न्यूज कवरेज को लेकर पुराना बाजार से गुजर रही थी, कुछ टोटो वाले यहाँ पर मिल गए। उन्होंने कहा, मैडम आप तो पूरे धनबाद की खबर दिखाती हो, हमारी भी खबर दिखाइए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। धनबाद में जो ई रिक्शा वाले हैं उन पर हमेशा इल्जाम बना रहता है कि ये टोटो वाले जो हैं इनके कारण ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है और शहर में जाम लगा रहता है। लेकिन टोटो वालों का भी एक पक्ष है, ई रिक्शा चलाने वाले लोगों का भी एक पक्ष है। आज हम उनके दर्द को सुनेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, नाम क्या है? मैं मुनेश प्रताप साहब नाम मेरा। अच्छा, कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? 2016 से। 2016 से, काफ़ी साल हो गया चलाते चलाते। 7 साल। सुनते हैं कि पूरे धनबाद में आप ही लोग जाम लगाते हैं। नहीं, हम लोग क्या जाम लगाएंगे। नहीं, तो फिर कैसे जाम लग जाता है? जाम तो यहाँ जैसे देख ही रहे आप, परिस्थिति क्या है। हाँ, परिस्थिति तो ठीक ही है। क्या परिस्थिति है? दुकान देख रहे कितना बड़ा बड़ा का सब बाजार में लगा हुआ है। दुकान बड़ा हुआ है, जरा दिखाइएगा दुकानों की स्थिति। रास्ता भी बहुत खराब है, पुराना बाजार रास्ता खराब, बहुत खराब है। अच्छा, तो आप पुराना बाजार वाले रूट पे ही चलते हैं? हाँ, पुराना बाजार मने का। हाँ, तो यहाँ टोटो संघ वाले बोलते नहीं है सरकार को कि सर रास्ता वास्ता बनवाइए? बोले हुए तो हैं हम लोग। अच्छा, बोल के आए हैं लेकिन बना नहीं है। नहीं, कहाँ बन, रोड बनने हम लोग। सबसे ज्यादा इस रास्ते पे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता, बहुत दिक्कत, ये बाजार पार करना आफत है। आफत है। चलिए, और कोई समस्या है? रोड खराब। और कोई समस्या? और कोई समस्या? और बाकी सब। चलिए, तो मतलब जाम आप नहीं लगाते? हम लोग कहाँ जाम लगे, दुकान बहुत निकला हुआ सब, तो हम लोग क्या जाम लगाए। अच्छा, हम लोग रास्ता निकला, जैसे हम लोग टोटो का जैसे मान लिया 2 फीट का टोटो है, 3 फीट का। हाँ। क्या जाम लगेगा? ठीक है, आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि इतना छोटा सा इनका टोटो है, 2 से 3 फीट का, इसमें क्या जाम लगेगा। और इनका कहना है जाम लगने का कारण टोटो वाले नहीं, ये कुछ जो बेढंगा का रोड है, टूटा फूटा रोड है, और सामने से जो दुकानें जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं उसके कारण जाम लग रहा है। आइए कुछ और टोटो वाले से बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्या। ये नज़ारा है धनबाद शहर के पुराना बाजार का। हालांकि इसका नाम पुराना है, ये बाजार भी बहुत पुराना है, परंतु लोग यहाँ हमेशा आते हैं और नई जनरेशन के लोग भी आते हैं। यहाँ की समस्या इतनी है कि बताते बताते दिन से रात हो जाए। यहाँ लगभग 200 से 250 दुकानें हैं, सड़क के इस ओर भी इस ओर भी। कितने ही घरों का खाना पानी यहीं से निकलता है। इन गलियों में जान बसती है, फूल माले से लेकर केक, पेस्ट्री, समोसा, चाय, फल, फोटो फ्रेमिंग, श्रृंगार, वस्त्रालय, सब कुछ है यहाँ पर। और कुछ नहीं है तो वो है साफ सफाई और अच्छी सड़क। कुछ दिनों पहले यहाँ से बस आधे किलोमीटर की दूरी पर आशीर्वाद टावर में एक आगजनी में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम तो था, परंतु लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसके बाद से धनबाद प्रशासन जाग चुका है। बड़े बड़े बिल्डर्स को कल एक मीटिंग में DDC ने बताया कि हर बिल्डिंग जो बन रही है, जो हाई राइज है, गगनचुंबी है, उन सभी में फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य है। और जो बिल्डिंग पहले से बनी हुई है उन सारी बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग की ऑडिट कराई जाए।
कल एक और बड़ी खबर सामने आई। धनबाद शहर के विनोद बिहारी महतो चौक पर एक मॉल के ऊपर 21 करोड़ 16 लाख का जुर्माना लगाया गया। वैसे तो धनबाद शहर में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, परंतु ये पुराना बाजार हमेशा यहाँ की समस्याएं बनी ही रही। पूरे धनबाद से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं और आज गुरुवार का दिन है। जैसे गांव में प्रत्येक सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है, उसी तरीके से पुराना बाजार में गुरुवार को बाजार लगता है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये भीड़ केवल आज है, पुराना बाजार में ऐसी भीड़ रोज लगती है। हालांकि इस वक्त आपको मेरी सहयोगी मल्लिका दिखा रही होंगी कि बाजार की दशा क्या है। इस बाजार को हमेशा परेशान करता आया है ये टूटी फूटी सड़क और यहाँ होने वाला ट्रैफिक जाम, साथ ही आशीर्वाद टावर में हुई आगजनी के बाद एक सवाल ये भी है कि धनबाद में जो ऐसे बाजार हैं, अगर उनमें अचानक से आग लग जाए तो यहाँ आग से निपटने की कैसी व्यवस्था है। क्योंकि आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे, इस बाजार में जितने भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं। किसी भी दुर्घटना में अगर कहीं एक जगह भी आगजनी होती है तो ऐसे में भारी संख्या में जान और माल की क्षति हो सकती है। धनबाद प्रशासन ध्यान दे, पास इलाकों में तो धनबाद के डीडीसी के आदेश के बाद हर बिल्डिंग में ये चेक करवाया जाएगा कि वहाँ फायर फाइटिंग की व्यवस्था कैसी है। लेकिन साहब, गरीबों के इलाके में भी एक बार ज़रूर चेक करवाइए कि अगर ऐसे बाजारों में कभी आगजनी होगी या होती है तो उससे निपटने के लिए धनबाद प्रशासन के पास कैसी व्यवस्था है। एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि क्या ये जितने दुकानें हैं यहाँ पर उन सब में आगजनी से निपटने के लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो है या नहीं। और एक और गुहार, ये जो ऑटो वालों की बात हमने अभी सुनी, उनका कहना है कि जाम हम नहीं लगाते, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि हमें रुक रुक कर चलना पड़ता है। तो धनबाद के प्रशासनिक अधिकारी, आपसे इल्तजा है, पुराना बाजार को एक नई सड़क की ज़रूरत है।